ओम नमो नारायण। देव शक्ति हीलिंग हब से मैं रुद्रावि सिंह आप सबों का तंत्र ऑडियो सेशन में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए सबसे पहले एक श्लोक के साथ हम स्टार्ट करने जा रही हैं ऑडियो। संस्कृत में एक श्लोक है, पास बद्धो भवे जीव पास मुक्त सदा शिव। अर्थात भगवान शिव ही भैरव रूप में प्रकट होते हैं और कहा जाता है भैरवो हम शिवो हम, अर्थात मैं भैरव हूँ और मैं ही शिव हूँ। शिव का हमेशा गहराई में ध्यान केंद्रित रहता है, शक्ति में स्थित होना। बिना शक्ति के शिव सब मात्र है। शक्ति को धारण करने के बाद इस मार्ग का शिष्य या अनुयायी भैरव के समान बन जाता है, जिसका अर्थ है वह खुद को शिव के रूप में अपने आप को पा लेना। एक बार पुनः आप लोगों का तंत्र ऑडियो सेशन में मैं स्वागत करता हूँ। आइए आज जानेंगे तंत्र क्या है, तंत्र की विशेषता, तंत्र के बारे में, तंत्र के क्या प्रायिकता है, तंत्र की क्या महानता है, तंत्र कैसे और तंत्र की व्याख्यान क्या है। सर्वप्रथम जानते हैं तंत्र एक प्रक्रिया है जिससे हम अपनी आत्मा को मन के बंधन से मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया से शरीर और मन शुद्ध होता है और ईश्वर का अनुभव करने में सहायता होती है। तंत्र की प्रक्रिया से हम भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की हर समस्या का हल निकालते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि एक व्यक्ति तंत्र का सही प्रक्रिया से मस्तिष्क का पूरा इस्तेमाल कर पाता है और अद्भुत शक्तियों का स्वामी बन जाता है। दोस्तों, तंत्र क्या है, तंत्र क्यों करनी चाहिए और तंत्रों में, तंत्र विद्या में प्रत्येक व्यक्ति विशेष को क्यों आनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी दुनिया में, ऐसे ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं है या ऐसी कोई मोडालिटी नहीं बनी है जो हमारे आत्मा को हमारे शरीर से अलग कर पाए, हमारे आत्मा को हमारे शरीर से पृथक कर पाए। वो एक ऐसा मार्ग तंत्र ही है जो कि हम अपने शरीर को आत्माओं से अलग कर सकते हैं, अपने शरीर को आत्माओं से जोड़ सकते हैं और इस बंधन से मुक्त कर सकते हैं। क्योंकि तंत्र एक प्राचीन विद्या है जो कि शरीर पर खुद का नियंत्रण बढ़ाती है। तंत्र का अर्थार्थ यही होता है, तनोति त्रायति इति तंत्र, अर्थार्थ तन का मतलब तनना यानी विस्तार होना, फैलाव, त्र अर्थार्थ शरीर जो बिना रुकावट का एकांकी हो जाता है, अनंत फैला हुआ होता है, सतत हो, इसलिए तंत्र के साथ जुड़ने का एक अद्भुत साधन है। जैसा कि अभी मैंने एक शब्द मैंने कहा, तंत्र ही एक ऐसा मार्ग है जो हमारे शरीर को हमारे आत्मा से अलग कर सकता है। तो आइए आत्मा के बारे में, आत्मा और मन के बारे में जानते हैं। एक प्रश्न था जो कि हमारे गुरुदेव ने हमसे पूछे कि बताओ रुद्र, आत्मा और मन क्या है। तो मैंने तो थ्योरेटिकल उन्हें जानकारी दी। थ्योरेटिकल जानकारी मैंने क्या कहा था वो सुनिए। आत्मा और मन क्या है, मन आत्मा का साधन है, इसके द्वारा ही आत्मा की इच्छित क्रियाएं होती है। आत्मा का मन से, मन के इंद्रियों से और इंद्रियों के विषयों से बाहर संसार से संपर्क होने पर ही आत्मा का ज्ञान तथा उसकी इच्छित क्रियाएं होती है। ज्ञान आत्मा का गुण है, मन का नहीं। संस्कृत में एक श्लोक है जो कि यजुर्वेद में कहा गया है, यस्मान न रीते किचन कर्म क्रियते, अर्थात यह मन ऐसा है जिसके बिना कोई भी काम नहीं होता। यही कारण है कि इसके संपर्क न होने पर हम देखते हुए भी नहीं देखते तथा सुनते हुए भी नहीं सुनते। यह आत्मा के पास हृदय में रहता है। वेद में इसे हृदय में निवास वाला कहा गया है। यह जड़ पदार्थ है, इसलिए आत्मा से पृथक होकर कोई भी क्रिया नहीं कर सकता। यह आत्मा के साथ
जन्म जन्मांतर में रहता है। मन रजोगुण प्रधान होने पर घूमने का स्वभाव, दूसरा अधीरता, तीसरा अभिमान, चौथा असत्य भाषण, पांचवा क्रूरता, छठा ईर्ष्या, सातवा द्वेष, आठवा दंभ, नवमा क्रोध, दसवा विषय संबंधी इच्छा। फिर तमस मन के गुण होते हैं, बुद्धि का उपयोग ना करना, आलस्य काम करने की इच्छा ना होना, प्रमोद अधिक नींद लेने की इच्छा, चौथा ज्ञान ना होना, पांचवा दुष्ट बुद्धि रहना। महर्षि मनु लिखते हैं, यदि कोई मनुष्य किसी दुष्कर्म से छुटकारा चाहता हो तो मन से उस दुष्कर्म को खूब सराहना को उलट किया करें, उसे भर्त्सना किया करें। जैसे जैसे दुष्कर्म का निंदा करेगा वैसे वैसे ही दुष्कर्म छूटता चला जाएगा। तो मन के विकार, मन के कारण मनुष्य अपने कर्तव्यों पथ से विमुख हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि मन मनुष्य पर हावी होता है, इसलिए मनुष्य अपने आत्मा को परमात्मा से साक्षात्कार नहीं करा सकते। तथा किंतु क्योंकि आत्मा चैतन्य है, प्रकाशपुंज है, जो परमात्मा का एक छोटा सा अंश मात्र है, जिसे शरीर धारण करता है, और मन के विकार के कारण मनुष्य सत्य से विमुख हो जाता है। आइए अभी इस ऑडियो सेशन में मैंने आत्मा और मन की विशेषता बताया, अब अगले ऑडियो में हम तंत्र के ऊपर हम विशेष चर्चा करेंगे कि तंत्र के बारे में अलग अलग आयामों में क्या क्या जानकारी जनरली बताए गए हैं, उसके बारे में हम आप लोगों को जानकारी देंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। ओम नमो नारायण।